अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में चाउमीन, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लेंगे पानी। इसमें मैंने एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डाल के इसे 3-4 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पैगेटी डाल दूँगी और इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो चलिए, जब तक हमारी स्पैगेटी बॉयल हो रही है, हम रेडी कर लेते हैं इसका सॉस। इसके लिए मैंने 1 कप लिया है मैंने चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून मैंने लिया है हॉट सॉस, 1 टीस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अब सब हमने इसके इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी चाउमीन की सॉस हो चुकी है रेडी। अब हम एक पैन लिया, ये कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाला था और बारीक कटा हुआ लहसुन डाला था। लहसुन को हम ब्राउन नहीं करेंगे। लहसुन को हमने इसलिए ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। हमने सिर्फ इसे इसलिए डाला है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म कर सके। चिकन को मैंने बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक भुनाई करूँगी। ये देखिए, चिकन गल चुका है मेरा और इसे मैंने हल्की आँच पर ही पकाया है। पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसकी सारी सब्ज़ियाँ जो मैंने वेजेस इसको कटिंग किया था बारीक, इन सब सब्ज़ियों को। वेजेस को हमने हल्का सा सौते कर लिया था इसके अंदर चिकन के साथ ताकि हल्की सी हो जाए। अब ये देखें, वेजेस हमारी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाउमीन सॉस जो हमने रेडी किया था। अच्छे से साफ़ करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सब वेजेस के अंदर अच्छे से जूसी सी फॉर्म आ जाए। ये देखें, आ चुकी है। अब मैंने एक जो हमारी स्पैगेटी थी वो मैंने बॉयल करके उसे छान लिया था और मैंने उसे एक पानी से गुजार लिया था ताकि वो सेपरेट रहे और वो जुड़े नहीं। ये देखें, स्पैगेटी अब हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने का मकसद ये होता है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी जूसी फॉर्म इसके अंदर आ जाए। और ये देखें, ये हमारी स्पैगेटी का कलर भी चेंज होने लग गया है। चाउमीन हो चुकी है हमारी रेडी। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये देखें, कितना मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। इसे बहुत मज़ेदार बनी थी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।